ने लिया सबका बदला, लखनऊ में अंग्रेजों से वसूला पूरा लगान, लाला ने जिताया अकेले मैच, गेंदबाजों ने खाई कसम, कहा हम नहीं है बल्लेबाजों से कम, इंग्लैंड का कर दिया काम तमाम, बेंस्टोक रूट और बटलर के बल्ले में लगा जंग, 100वें मैच में रोहित ने गेंदबाजों से जीत लिया मैच। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत बधाई। टीम इंडिया लगभग लगभग सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और जो टीम पिछली बार इनसे भिड़ी थी, कह सकते हैं वर्ल्ड कप के भिड़ंत में 20 साल से हम इनसे जीते नहीं थे, उसका भी बदला लिया और साथ साथ पिछली बार 2022 में इनसे 10 विकेट से आ रहे थे, इन्हें 100 रन से इन पर मुकाबला जीत लिया। दिखा दिया हमारे गेंदबाजों ने कि आपका दिन वो था, आज हमारा दिन है, हमारी पिच है, हमारा मैदान है और ये टूर्नामेंट अब हमारा होने वाला है। ये मुकाबला माना जा रहा था कि इंग्लैंड के पक्ष में जाएगा, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी टीम इंडिया की रही थी वो थोड़ी सी कमजोर रही थी, थोड़ा सा डगमगा गई थी। रोहित शर्मा के अलावा दो बल्लेबाज ही थोड़ा सा दमखम दिखा पाए थे, केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव, बाकी कोई बल्लेबाज रुक नहीं पाया था इस पिच पर और विकेट खोकर चले गए थे। लेकिन फिर क्या, रोहित शर्मा ने खेली 87 रन की पारी और साथ में केएल राहुल 39 और सूर्य ने 49 रन बनाए और इसी के साथ ही टीम इंडिया ने जीत का छक्का लगा दिया। पॉइंट टेबल पर टीम इंडिया नंबर 1 बन चुकी है, सेमीफाइनल लगभग लगभग कंफर्म हो चुका है, तो तमाम सारी खुशियां हैं और तमाम सारे ढेर सारा प्यार टीम इंडिया को लेकर। क्या हुआ मैच के दरमियान, कैसे जीत गई टीम इंडिया इतना कम रन बनाकर, वो भी मैं आपको बताता हूं। कैसे गेंदबाजों ने दिखाया जलवा, वो भी देख लीजिए हमारी ये छोटी सी रिपोर्ट पे। भारत के खिलाफ इंग्लैंड की बल्लेबाजी बेहद ही खराब रही, डेविड मलान 16 रन, जॉनी बेयरस्टो 14 रन, रूट और बेयरस्टो 0 पर आउट हुए, बटलर 10 रन, मोइन 15, लियाम 27 और क्रिस वोक्स 10 रन बनाए। भारत के लिए शमी ने 4 विकेट दिए और बुमराह ने 3 विकेट झटके, कुलदीप को 2 और जडेजा को 1 विकेट मिला। तो भैया कुछ इस तरह से 229 रन का पीछा करने उतरी थी इंग्लैंड और 129 पर ही सिमट गई, यानी 100 रनों से टीम इंडिया ये मैच बड़े आराम से जीत लिया है। और अब बधाई हो रोहित शर्मा, अपने 100वें मैच को, कप्तानी के मैच को यादगार बना दिया, बता दिया कि भैया ये इंडिया है, ये नई इंडिया है, ये जीतेगी और दमदार तरीके से जीतेगी। आपको बता दें कि पहली पारी में क्या हुआ, किस तरह से रोहित शर्मा ने पारी को चलाया, राहुल ने क्या किया और सूर्य कुमार यादव ने क्या किया, ये आपको दिखाते हैं। इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर का पहले गेंदबाजी का फैसला बिल्कुल सही रहा था। इंग्लैंड ने पावर प्ले यानी शुरुआती 10 ओवर में शानदार गेंदबाजी की, उन्होंने सिर्फ 35 रन दिए और 2 विकेट झटके थे। क्रिस वोक्स ने शुभमन गिल को 9 रन पर क्लीन बोल्ड किया, जबकि डेविड मिली ने विराट को बेस्टोक के हाथों कैच आउट कराया। उसके बाद रोहित शर्मा ने पारी को संभाला, टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। रोहित ने खेली 87 रनों की पारी, अय्यर फिर शॉर्ट बॉल पर 4 रन बनाकर आउट हो गए, केएल राहुल 39, सूर्य 49 रन बनाए, बुमराह ने बेसकीमती 16 रन बनाए, इंग्लैंड के विली और वोक्स और राशिद को 2-2 विकेट मिले जबकि मार्क वुड को 1 विकेट मिला। तो ये था भैया पहली पारी का हाल। यहां पर गेंदबाजी जबरदस्त रही इंग्लैंड की तरफ से, लेकिन जब हमारी गेंदबाजी आई तो वो सब फीका पड़ गया, भारतीय गेंदबाजों ने कह डा दिया, जलवा दिखा दिया, बता दिया ये भारत की जमीन है, यहां पर हम ही सिकंदर हैं, हम यहां चमकेंगे। टीम इंडिया अब सेमीफाइनल में लगभग लगभग जगह पक्की कर चुकी है। इस वक्त टीम इंडिया पॉइंट टेबल पर टॉप पर है, 6 मुकाबले खेले, 6 जीते, यानी कहे जीत का छक्का लगा दिया और मैन ऑफ द मैच बने रोहित शर्मा, जिस तरह की पारी खेली वो कमाल की थी। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं रोहित शर्मा के इस प्रदर्शन को, कमेंट बॉक्स में बताइए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।